हरियाणा स्टेट नारकोटिक यूनिट अम्बाला की टीम ने दो आरोपियों को पीपली के जीटी रोड से गिरफ्तार किया है। एक आरोपी पीपली का रहने वाला है, दूसरा आरोपी गांव मुनियारपुर का रहने वाला है। इनके पास से 25 ग्राम व 17 ग्राम हेरोइन चिट्ठा बरामद किया गया है। बता दें, हरियाणा स्टेट नारकोटिक ब्यूरो यूनिट अम्बाला के ADGP श्रीकांत यादव के निर्देश पर DSP राजेश कंदोला के नेतृत्व में प्रभारी केवल सिंह द्वारा स्वयं कमान संभाली टीम में ASI राजेश, हेड कांस्टेबल नरेश, आजाद, करमवीर आदि को शामिल कर धरपकड़ के लिए निकल पड़े। छापामारी के दौरान जानकारी मिली कि एक युवक नशीला पदार्थ लेकर पैराकिट की तरफ से पिपली चौक पर आ रहा है, जिसके पास कीमती नशीला पदार्थ मौजूद है। मौके पर DSP नरेंद्र पहुंचे, नाकाबंदी कर शक की बिना पर पैदल आ रहे एक युवक को काबू किया गया। तलाशी लेने पर पैंट की जेब से 17 ग्राम हेरोइन चिट्ठा बरामद किया गया। पकड़े जाने पर अपना नाम पवन पुत्र रोशनलाल निवासी गांव मुनियारपुर बताया। इसी तरह ही प्रभारी केवल सिंह द्वारा भेजी गई टीम, जिसमें सब इंस्पेक्टर बलवान सिंह, गुरनाम सिंह, हेड कांस्टेबल हरप्रीत सिंह, गुरमेल पवन भी अनेकों स्थानों पर छापामारी करने के लिए निकले हुए थे। इसी टीम को भड़क लगी कि पिपली का रहने वाला युवक दिल्ली गया हुआ है और अपने साथ नशीला पदार्थ लेकर वापस बस में सवार होकर आ रहा है। पुलिस टीम ने पैराकिट के नजदीक पहुंचकर नाकाबंदी कर दी। मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बुलाया गया। कुछ समय बाद एक युवक आता दिखाई दिया। युवक के चाल चलन पर शक हो गया। नजदीक आते ही उसे काबू कर लिया गया। तलाशी लेने पर 25 ग्राम हेरोइन चिट्ठा बरामद किया गया। गिरफ्त में आने पर उसने अपना नाम मनोज निवासी पिपली बताया। इन दोनों के खिलाफ अलग अलग मामले दर्ज करवाए गए। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। पुलिस के अनुरोध पर अगले आदेश तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। बरामद हुए नशीले पदार्थ के अंतर्राज्यीय बाजार में कीमत 1,00,000 रुपए बताई गई है। क्या कहते हैं DSP राजेश कंदोला? अभी जैसा कि पहले भी आपको बताया था हमने कि हम लगातार जो नशे में संलिप्त लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी टीम बार बार आसपास के एरिया में दबिश दे रही है। उसी की लगातार जो प्रयास किए जा रहे थे, ADGP श्रीकांत यादव साहब ने जैसे हमें दिशा निर्देश दिए हैं उनकी पालना करते हुए हमने दो अलग अलग मामलों में दो आरोपियों को थाना सदर क्षेत्र के एरिया से पकड़ने में कामयाबी हासिल की है, जिसमें एक आरोपी पवन कुमार है, जिसके कब्जे से 17 ग्राम हेरोइन बरामद की है, और दूसरा अन्य आरोपी मनोज है जो पिपली का ही रहने वाला है, उसके कब्जा से 25 ग्राम हेरोइन बरामद की है। इन दोनों आरोपियों को आज माननीय अदालत में पेश करके इनका रिमांड लिया जाएगा और जो लोग इस कारोबार में उनके साथ संलिप्त हैं और जहां से भी ये नशा वो लेकर के आए थे उनकी भी पहचान करके उनके खिलाफ जो टीमें भेज करके कार्रवाई करवाना सुनिश्चित किया जाएगा। क्या ये पहले पकड़े गए थे सर कभी? इनका पूर्ण जो आपराधिक रिकॉर्ड है अभी थाने से लिया जाएगा, उसके बेस पे ही पता चलेगा कि इनकी पहले इस कार्य में किसी तरह की कोई संलिप्तता रही है या नहीं रही है। फिलहाल इंस्पेक्टर केवल सिंह और उनकी टीम इन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। खबरनामा हरियाणा के लिए राजेश भारद्वाज की रिपोर्ट।